हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपने अपने सोच में। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं वो है प्री प्राइमरी एजुकेशन। आखिर ये प्री प्राइमरी एजुकेशन होता क्या है? कुछ लोगों का मानना ये है कि प्ले स्कूल LKG UKG और नर्सरी क्लास प्री प्राइमरी एजुकेशन के कैटेगरी में आते हैं, पर मैं कुछ अलग सोचता हूँ। मेरे अनुसार प्री प्राइमरी एजुकेशन वो एजुकेशन है जो बच्चे घर से और समाज से सीखते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि माता पिता बच्चों के पहले गुरु होते हैं और उसके बाद उनके शिक्षक जो उन्हें स्कूल में पढ़ाते हैं, पर मैं कुछ अलग सोचता हूँ। और मेरे अनुसार माता पिता पहले गुरु होते हैं, उसके बाद उनके परिवार के बड़े लोग, उनका समाज, फिर उनके शिक्षक। क्योंकि बच्चे पहले सीखना शुरू करते हैं अपने माता पिता से, उसके बाद घर के बड़े लोगों से, उसके बाद समाज से, तब जाकर वो अपने स्कूल जाते हैं और स्कूल से कुछ सीखते हैं। इसलिए बच्चों के कैरियर और भविष्य में ये चीज़ें घर के बड़े लोग, माता पिता और समाज का व्यवहार और रहन सहन एक अलग छाप छोड़ता है, और उस कारण से बच्चे अलग तरह से बिहेव करते हैं अलग अलग सिचुएशन में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि दो बच्चा जो एक ही समय पर जन्म लेता है और अलग अलग कल्चर में जन्म लेता है, दोनों का कल्चर अलग अलग, दोनों की सोचने की शक्ति अलग अलग होती है। चलिए इसको एक अलग तरीके से समझते हैं। हम बाजार गए, दो डब्बे को लेकर आए और एक डब्बे में हम मिट्टी भर दिए और एक डब्बे में सोना। पहले जो दो डब्बे का मूल्य समान था, पर अब दोनों डब्बे का मूल्य अलग अलग हो गया है, क्योंकि उसमें अलग अलग चीज भरा गया है और उस अलग अलग चीज के कारण इन दोनों के मूल्यों में जमीन और आसमान का अंतर हो गया। ठीक उसी प्रकार बच्चों का मस्तिष्क भी बिल्कुल ही खाली होता है। उसमें जो चीज भरा जाएगा उसके अनुसार बच्चे अपने आप को ढाल लेते हैं। इसमें बच्चों का दोष नहीं बल्कि माता पिता, समाज और घर के बड़े लोगों का सबसे बड़ा हाथ होता है बच्चों के रहन सहन और बात व्यवहार में परिवर्तन लाने में। चलिए इसको एक अलग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। घर में जब एक बच्चा गिर जाता है तो माता पिता या बड़े लोग उस जगह पर मार कर कहते हैं कि चलो इसके कारण तुम्हें चोट लगा तो मैंने इसे मार दिया, अब चुप हो जाओ। यहां पर बच्चे बदले की भावना को सीखते हैं। समाज में हो रहे मारपीट, लड़ाई झगड़े से बच्चे लड़ाई झगड़ा करना सीखते हैं। बच्चे उत्सुकता बस किसी खिलौने को तोड़ देते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय माता पिता के द्वारा या घर के बड़े लोगों के द्वारा जो डांट मिलती है उससे बच्चे की उत्सुकता कम हो जाती है और बच्चे कुछ सीखने के पहले, कुछ समझने के पहले ये सोचते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। जब बच्चे घर में किसी चीज़ से कुछ करना चाहते हैं तो हम उन्हें डांट देते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम क्यों कर रहे हो ये। वहां पर बच्चों के एबिलिटी पर शक किया जाता है और बच्चे कुछ भी करने से पहले अब सोचने लगते हैं कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा, क्या ये मेरे बस में है। चाहे वो उनके बस में है भी तो भी वो नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा अपना आर्ट पेंसिल लेके जहां तहां कुछ से कुछ लिख दे रहा है, हम उसे डांट कर हटा देते हैं बल्कि समझाते नहीं हैं। यहां पर उनकी क्रिएटिविटी को दबाया जाता है। जो बच्चा कुछ लिखकर, पढ़कर, समझकर, कुछ बनाकर अपनी क्रिएटिविटी को शो करना चाहता है, वहां पर हम उसे डांट कर ये करने से रोकते हैं। बच्चे को हमेशा कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। जो बच्चे का दिमाग पूरी तरह से खाली होता है और बच्चा इस चीज़ को कैप्चर करते जाता है कि हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, और जब कुछ समय के बाद इन्हीं माहौलों के कारण बच्चे में बदमाशी की भावना आती है, बदले की भावना आती है, उत्सुकता कम हो जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो हम ये कहते हैं कि बच्चा बदमाश हो गया है। पर हम ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं इन सभी के पीछे हमारे परिवार, हमारे समाज का ही हाथ है। हमें इस चीज़ को समझकर, बच्चे के करियर को समझकर, बच्चे के भविष्य को समझकर उसके साथ एक अलग तरह का बर्ताव करना होगा,
ताकि वो समाज से, घर से, अपने माता पिता से कुछ ऐसा सीखे कि बच्चा क्रिएटिव हो, उनका उस बच्चे का माइंड पॉजिटिव हो और बच्चा कुछ भी कर पाने में सक्षम हो, तभी कुछ हो सकता है और बच्चा कुछ नया अच्छा क्रिएटिव कर सकता है। ये थे मेरे विचार कुछ प्री प्राइमरी एजुकेशन पे। अब आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यहां क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।